नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूं मैं एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक प्यारे से प्लांट के बारे में, जिसे बच्चे जो है जादू का पेड़ भी कहते हैं। और जादू पेड़ इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप जैसे ही इस प्लांट को टच करेंगे, ये जिसकी पत्तियाँ हैं वो क्लोज कर लेते हैं। तो इस प्लांट का नाम है छुई मुई का पेड़ या फिर टच मी नॉट। और इसको और भी जो है कई नामों से इसको जो पुकारा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो प्लांट है बच्चों के लिए एक मैजिक वाला पेड़ है। वो इस वजह से कि फ्रेंड जैसे कि वो इसको ही टच करते हैं तो उनको ये जो पत्तियां हैं ये अपनी स्टेम से ये गिरा देता है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड जैसे कि मॉर्निंग का समय है तो अभी जो है इसकी जो लीव्स हैं वो आपको क्लोज नज़र आ रही हैं। तो शाम के समय जैसे ही यहाँ पे शाम होती है या फिर जो मॉर्निंग समय इसकी जो लीव्स हैं आपको इस तरह से क्लोज मिलती हैं। तो जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है बिल्कुल मॉर्निंग का समय। अभी जो है इस पर जैसे ही सनलाइट लगेगी तो फ्रेंड्स ये जो है अपनी जो लीव्स हैं इसकी सारी ओपन ये कर लेगा। तो फ्रेंड्स, इसको जो है ग्रो करने के लिए मैं आपसे बात करूँगा किस प्रकार से जो आप इसकी जो सॉइल वगैरह रेडी करनी है और कैसे इसकी जो यहाँ पर आपको केयर इसकी करनी है। तो फ्रेंड जैसे कि ये प्लांट है, मैंने एक बार इसको जो है बाई किया था नर्सरी से और उसके बाद जो है ये आपके पास हमेशा के लिए रहने वाला है। वैसे तो फ्रेंड्स, इसका जो ग्रोइंग का जो पीरियड रहता है वो समर्स का इसका रहता है। तो समर्स में आप इसको जो मर्जी लगा सकते हैं, ये इजीली से ग्रो कर जाता है। अगर बात की जाए फ्रेंड्स देखिए इसकी जो है सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो फ्रेंड देखिए इसको जो है सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप इसको जो है फुल सनलाइट में रख सकते हैं। ये हार्डी प्लांट रहता है वैसे तो, जैसे कि आप इसको जो है ओपन की फुल सनलाइट में रखेंगे गर्मियों में तो भी ये सर्वाइव यहाँ पर कर जाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन रहती है, जैसे कि तेज़ सनलाइट यहाँ पर रहेगी, ज़्यादा तेज़ गर्मी यहाँ पर रहेगी तो जो इसकी लीव्स है इस तरह से ही क्लोज आपको देखने को मिलती हैं, उसमें जो अपनी पत्तियाँ हैं बंद कर लेता है। अगर आप इसको जो है शेड एरिया में रखेंगे तो फ्रेंड्स ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है और इसकी लीव्स भी आपको जो है ज़्यादातर खिली हुई नहीं दिखाई देंगी। तो आपको देखिए इसमें जो है धूप इसको पसंद है, धूप आप इसको दे सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी तीखी धूप से आप इसको बचाइए। और वैसे फ्रेंड्स, इसकी जो सॉइल रेडी आपको करनी है तो सॉइल रेडी करने के लिए आप जो इसकी देखिए किसी तरह की सॉइल में इसको आप लगा सकते हैं। सभी तरह की सॉइल में इजीली से यहाँ पे ग्रो हो जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो पॉट में लगा रहे हैं तो इसकी जो मिट्टी है आप थोड़ा पोरस ही बनाएं। मैंने इसकी जो यहाँ पर मिट्टी बनाई थी तो उसमें देखिए मैंने यहाँ पर 50% जो है गार्डन सॉइल लिया था और 20% जो है मैंने कंस्ट्रक्शन सैंड इसमें मिलाया था। बाकी इसमें देखिए जो है मैंने थोड़ी नीम की खली और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला के इस प्लांट को लगाया था। अब बात की जाए कि इस प्लांट का जो है प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसके जो प्लांट का प्रोपोगेशन करने के लिए फ्रेंड्स आप इसके देखिए इस पर जो सीड्स भी बहुत सारे बनते हैं, तो सीड्स के द्वारा भी आप इसको जो है प्रोपोगेट किया जा सकता है। और नहीं तो फ्रेंड्स जो है आप इसको कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन जो कटिंग लगाने का मेथड है, देखिए फ्रेंड्स इसकी जो आप स्टेम लेनी है तो देखिए बिल्कुल इस तरह से मेच्योर स्टेम बिल्कुल ना ले जो कि हार्ड हो चुकी है थोड़ी थिक को, आपको थोड़ी इस तरह से लेनी है जो कि सॉफ्ट स्टिक हो, ग्रीन कलर की हो, न्यू हो। तो उसकी जो कटिंग आप लेके जो है कोकोपीट में लगा सकते हैं, उसमें जो है अपनी कटिंग भी इजीली से ग्रो कर लेगा। अब देखिए इस पर जो बात की जाए कि इस पर जो छोटे छोटे कांटे भी रहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसकी थोड़ा सावधानी रखिए और जब भी कटिंग इसकी आप ले तो किसी जो है प्रूनर वगैरह से कटिंग लीजिए, हाथ से तोड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि हाथ से तो वैसे भी जो कटिंग है तो आपकी ग्रो नहीं होती है। और बाकी अब बात की जाए कि इसके पॉट वगैरह रिक्वायरमेंट की, तो फ्रेंड्स इसका जो पॉट है आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। आप चाहो तो इसको 8 से 10 इंच की पॉट में इजीली से ग्रो यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे तो आप देखेंगे एक ही झाड़ी टाइप पौधा है और आप इसे जंगली पौधा भी कह सकते हैं, लेकिन इसको जो है अब बच्चों को खेलने में बहुत इसको आनंद आपको देखने को मिलता है और आप भी अगर चाहें तो इसको भी आपको बहुत आनंद मिलता है। फ्रेंड्स जैसे कि देखा जाए तो इसे जादू का पेड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जैसे इसको टच करेंगे तो जो है लीव यहाँ पे क्लोज कर लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लीव अपनी कैसे क्लोज करता है, इसमें जो है सेल्स रहते हैं जिसके अंदर वाटर यहाँ पे रहता है और जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो जो वाटर है वो नीचे की तरफ वापस से उतर जाता है और ये अपनी जो लीव्स है क्लोज यहाँ पे कर लेता है। तो 5 से 10 मिनट तक जो अपनी लीव इस तरह से क्लोज रखता है और फिर से जो है ये अपनी सारी जो स्टेम है, जो लीव्स है वो फिर से ओपन हो जाएगी। अगर आप इसकी स्टेम्स देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये अभी खुलेगी, इसकी स्टेम्स को भी अगर छुएंगे तो ये अपनी स्टेम्स है वो भी यहाँ पे नीचे डाउन कर लेगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से जो है इसके लीव्स यहाँ पे डाउन यहाँ पे हो जाएंगी। और इस पर देखिए जो है फ्लावर भी खिलता है, तो फ्लावर जब इस पर खिलता है तो जो उसकी जो फ्लावर खिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस पर नहीं टिकता है, छोटा सा पिंक कलर का इस पर जो फ्लावर खिलता है और वो जो है एक दिन के लिए ही इस पर होल्ड करता है, बाकी जो है वो
इस पे से गिर जाता है फ्रेंड्स। इसी पे जो है इसके छोटे छोटे सीड्स भी बनते हैं ब्लैक कलर के, उसी से आप हार्वेस्ट करके जो है सेव कर सकते हैं और उसी से जो प्लांट्स आप इनको रेडी भी कर सकते हैं। तो नए प्लांट रेडी करने की फ्रेंड जैसे कि आप जैसे कोचे वगैरह के सीड्स से जो प्लांट रेडी करते हैं वैसे ही आपको करना है, किसी पॉट वगैरह में इसके सीड्स आप बिखरा दीजिए तो उसी से बहुत सारे प्लांट यहाँ पे प्रोपगेट हो जाते हैं और डिवाइड करके आप जो है इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज जो है एक ही में आप ग्रो नहीं दे सकते हैं। और इसका जो है बुशी बनाने के लिए फ्रेंड जो है आप इसकी जो है थोड़ी सॉफ्ट जो प्रूनिंग भी साथ साथ आप करते रहेंगे तो जो प्लांट है आपका बुशी भी बन जाता है। और इसके बाद की जो देखिए वाटर रिक्वायरमेंट की तो फ्रेंड देखिए इसमें जो है पानी आपको बिल्कुल ड्राई भी नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम से सोख भी नहीं रखना है, आप जो इसके जो हल्का सा मॉइस्चर लेवल बना के रख सकते हैं। बाकी ये प्लांट हार्डी रहता है, अगर आप इसको एक दिन भी अगर वाटर नहीं देते हैं तो भी ये सर्वाइव पे कर जाता है। तो आप इसमें जो वाटरिंग है वो रेगुलर तौर पर दे सकते हैं, तो आप इसका जो पानी देंगे तो वो पूरे एक दिन में इसका जो है ड्राई होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी इसमें रहेगा तो फ्रेंड्स ये जो इसकी स्टेम्स वगैरह है जिसकी जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो यहाँ पे गल जाती हैं, प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। अब बात की जाए कि फ्रेंड्स इसमें जो है फर्टिलाइज़र वगैरह की थी तो फ्रेंड्स इस प्लांट को जो है कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप इसमें देखिए जब स्टार्टिंग में लगाएंगे तो इसको जो एक बार वर्मी कंपोस्ट देगी तो जो है आप इसको लगाते हैं। बाकी जो है आप इसमें कुछ ज़्यादा फ्लावरिंग वगैरह तो आपको लेनी नहीं है, तो फ्रेंड्स जो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और इस प्लांट को अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं, हैवी बुशी बनाना चाहते हैं, तो आप इसको अगर केमिकल यूज़ करते हैं तो एक दो दाना जो है आप इसका यूरिया का इसको दिखा सकते हैं। अगर DAP यूज़ करना चाहते हैं तो DAP भी आप इसके जो है एक से दो दाने इसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो है आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए जो है आप अपना जो भी जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जैसे सरसों खली का फर्टिलाइज़र वगैरह वो जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो समर्स में है अगर आप इस तरह से जो यूज़ करते हैं मस्टर्ड किट वगैरह का तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही डाइल्यूट करके बहुत ही हल्के में यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो जो खाद वगैरह है सब गर्म यहाँ पे रहती है। तो ज़्यादातर जो है ठंडी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें जो है फ्रेंड्स आप जो है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो सब इस प्लांट्स में आप डाल सकते हैं। अगर बात की जाए देखिए इसमें जो है पेस्टवेयर अटैक की तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है पेस्टवेयर अटैक आपको कम देखने को मिलता है, कम जैसे कि इसमें जो है स्पाइडर मैट्स वगैरह का अटैक इस पर आप दे सकते हैं, मिली बग का आप जो इस पर अटैक दे सकते हैं। बाकी तो अदरवाइज जो है इस पर किसी और प्रकार का जो पेस्टवेयर अटैक है वो इस पर नहीं देखने को मिलता है, यही कुछ जो है आपको देखने को इस पर मिलेंगे। तो ये समर्स का बहुत ही अच्छे से प्लांट है और आपको जो नर्सरी से तो मैं बात करूँ उसका जो इजीली से मिल जाता है, ये आपको 20-25-30 रुपीज़ में जो है ये प्लांट आपको मिल जाएंगे। और एक बार आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये जो आपके पास बना रहेगा क्योंकि जो है सीड्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है तो सीड्स के द्वारा ही आप इस प्लांट को द्वार से ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बच्चों के लिए तो एक ये मजाक सा ही हो जाता है कि उनको जो है इसको छेड़ने में बहुत मज़ा आता है बार बार। और वैसे तो इसकी लीव्स की अगर बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप इसको छेड़ेंगे तो लीव क्लोज होगी, तो जैसे कि आप इस प्लांट को हिलाते हैं या फिर जो है तेज़ हवा चलती है तो उसके कारण भी जो है ये प्लांट अपनी जो है लीव्स वगैरह से ऐसे क्लोज यहाँ पे कर लेता है। तो देखिए फ्रेंड जैसे जैसे कि आप देखेंगे जो थोड़ा अपने आप से हिल रहा है कि ये जो अपनी जो लीव्स है वो यहाँ पे ओपन इसने करनी शुरू कर दी है क्योंकि हल्की जो सनलाइट यहाँ पे आने लगी है। और ये इस तरह से देखिए जो इसकी लीव्स है यहाँ पे ओपन हो रही है क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा मॉर्निंग के समय में वीडियो शूट कर रहा था तो इसने जो अपनी लीव्स इस तरह से सारी क्लोज रखी हुई थी और अब इसकी जो है लीव्स यहाँ पे धीरे धीरे जो है ओपन होनी शुरू हो गई है। तो ये प्लांट जो है अपनी नींद से जाग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।